हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज दिनांक 19 अक्टूबर 2024 है और आज आपका बिहार बेल्ट्रॉन डीईओ फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों पेपर आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों, आज के एग्जाम में यानी कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, डिक्टो हम उसी तरह के क्वेश्चनों का यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं और उसका सटीक रिव्यू करने वाले हैं। दोस्तों, आज के एग्जाम में जो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे, आपके एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस और आपके बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से आपके क्वेश्चंस को पूछे गए थे। जो यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इन्हीं सभी टॉपिकों से आपके क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, हम उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के बीच इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पूरे डिटेल्स डिस्कशन के साथ उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। तो अगर आपका दोस्तों एग्जाम आने वाले किसी भी एग्जाम डेट में है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड से। एमएस वर्ड 2016 में मेलिंग लेवल की संरचना यानी कि मेलिंग टैब के जरिए शुरू की जाती है तथा क्रिएट अनुभाग के तहत कई विकल्प का अनुसरण किया जाता है। तो क्रिएट अनुभाग में कितने विभिन्न विकल्प आपका उपलब्ध होते हैं, आपको बताना है कि जो मेल मर्ज के टाइम में क्रिएट का जो आपका ग्रुप होता है यानी विभाग होता है, उसमें आपको कितने विकल्प पाए जाते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपको ये बताना है दो पाए जाते हैं या चार पाए जाते हैं या तीन पाए जाते हैं, आपको एक पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात कर लें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, यानी कि दो विकल्प उसमें पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग इसके स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, ये आपका मेलिंग हो गया, मेलिंग का दोस्तों ये आपका क्रिएट ग्रुप हो गया, ये आपका दोस्तों स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप हो गया और यहाँ पे आपका राइट एंड इन शॉर्ट फील्ड ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे जो क्रिएट ग्रुप में पाए जाते हैं आपके दो विकल्प यहाँ पाए जाते हैं, एक पहला इनवेलप हो गया या दूसरा का लेबल हो गया। दूसरे ग्रुप में आपके तीन पाए जाते हैं और आपका तीसरे ग्रुप में यहाँ पे चार पाए जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले ग्रुप क्रिएट में आपका दो इनवेलप और लेबल्स पाए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि दो विकल्प पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, इस तरह का प्रश्न बना था एक। देखिए कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड फंक्शन स्लाइड ग्रुप में आपके डैश के अंतर्गत आपका पाया जाता है, यानी कि उसमें आता है, यानी कि डुप्लीकेट जो आपका सिलेक्ट स्लाइड होता है वो फंक्शन स्लाइड के किसके अंतर्गत आपका पाया जाता है। जो आपके ऑप्शन दिया गया था, न्यू स्लाइड दिया गया था, लेआउट दिया गया था, रीसेट दिया गया था और आपका सेक्शन वहां पे दिया गया था। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर दो की बात कर ले और यहाँ पर राइट आंसर किसकी हम बात करें तो ये विकल्प आपका न्यू स्लाइड के अंतर्गत आपका पाया जाता है। जो न्यू स्लाइड होता है आपका स्लाइड ग्रुप के विकल्प के अंतर्गत पाया जाता है और स्लाइड ग्रुप जो होता है आपका होम टैब के अंतर्गत आता है। तो जैसे कि ये विकल्प आप स्क्रीनशॉट पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये होगा आपका स्लाइड का ग्रुप हो गया, ये आपका न्यू स्लाइड हो गया, ठीक है। यहीं पे इस छोटी सी कर्सर पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आपका ओपन होकर आएगा, जहाँ पे आपका डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड मिल जाएगा, स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन मिल जाएगा और रूल्स स्लाइड आपका मिल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि डुप्लीकेट स्लाइड पूछा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, न्यू स्लाइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था आपका एक्सेल से, क्वेश्चन को आपका यहाँ पूछा गया था आपके पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन था कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन बेसिक शेप में आपका शामिल नहीं है। आपको बताना है कि ये जो आपका दिया गया ऑप्शन वो बेसिक शेप जो होता है उसमें शामिल, देख सकते हैं दोस्तों ये कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन था ये आपका। ऑप्शन दिया गया था क्रॉस हो गया, क्लाउड हो गया, स्टार हो गया, आपका मून हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात कर ले तो यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टार। स्टार जो होता है दोस्तों आपका बेसिक शेप के अंतर्गत आपका नहीं पाया जाता है ये स्टार, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीन। जैसे कि ये कहाँ पे पाया जाता है तो आप ये देख सकते हैं कि इंसर्ट मेनू के अंतर्गत आपका जो इलेक्ट्रेशन ग्रुप होता है, इलेक्ट्रेशन ग्रुप हो गया, इसके तहत ये जो आपका शेप हो गया, जैसे इस छोटी सी कर्सर पर क्लिक करेंगे तो आपका ये बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आपके रेक्टेंगल, बेसिक शेप, ब्लॉक एरोज और कई प्रकार के आपके वहाँ पे शेप दिखाई देंगे। इसी के अंतर्गत यहाँ आप देख पा रहे होंगे कौन कौन से आपके यहाँ पे शेप है, कितने डिजाइनदार यहाँ पे शेप है, लेकिन कहीं पे आपको यहाँ पे स्टार यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे मून दिखाई दे रहा होगा, क्लाउड दिखाई दे रहा है, बादल दिखाई दे रहा है और आपका कौन सा क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपका
स्टार कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो राइट आंसर इसका दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी कि स्टार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा आपका माइक्रोसॉफ्ट से पूछा गया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका जो लैंडस्केप पद होता है किसके संबंधित आपका होता है। तो ये जो आपका होता है आपका पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आपका पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन दोस्तों आपका कहाँ पाया जाता है, तो देखिए इस वाले स्क्रीनशॉट में, ये आपका लेआउट टैब के अंतर्गत पेज सेटअप के ग्रुप में आपका यहाँ पे ओरिएंटेशन में, यहाँ पे कर्सर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ओपन होकर आ जाएगा। जैसे आप स्क्रीनशॉट में देख पा रहे होंगे, एक एक आपका प्रोटेक्ट होता है और एक आपका लैंडस्केप आपका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, पेज ओरिएंटेशन के अंतर्गत आपका ये पद जो है आपका पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सभी इस सभी क्वेश्चनों को हम इसी तरह से डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए या आपको इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हैं। वहां पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालकर रखे हैं, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए कि आपका कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन ये भी आपका पूछा गया। देखिए निम्नलिखित में किस पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपका वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम प्रदर्शित होता है। तो ये आपका टाइटल बार जो होता है ना, उसी में आपका जो वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम आपका प्रदर्शित होता है टाइटल बार के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यदि आप पैराग्राफ मार्क एक अन्य छिपे हुए फॉर्मेटिंग प्रतीकों को प्रदर्शित करना चाहते हैं तो आप डैश को दबा सकते हैं। यानी कि आपको प्रतीक को प्रदर्शित करना है तो वहां पे हमें कंट्रोल प्लस आपका ये स्टार का चिन्ह है, इसी को हम दबाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका विंडोज XP से क्वेश्चन पूछा गया था कि विंडोज XP में स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके कंट्रोल पैनल पर क्लिक करने के लिए सिस्टम ऑप्शन प्रस्तुत होता है। इस विकल्प पर डबल क्लिक करने पर सिस्टम प्रॉपर्टीज प्रस्तुत होता है। निम्नलिखित में कौन सा टैब सिस्टम प्रॉपर्टीज विंडो में आपका विद्यमान नहीं होता है। आपका कौन सा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, जनरल हो जाएगा, हार्डवेयर हो जाएगा या एडवांस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में किसका संदर्भ जो है ड्रॉप डाउन मेनू के लेबल वाली किसी पतली क्षैतिज पट्टी जैसे होम, इंसर्ट आदि से आपका होता है। ऑप्शन दिया गया दोस्तों टास्क बार, मेनू बार, ऑप्शन बार, टाइटल बार। तो इसका जो होता है किससे आपका पतली क्षैतिज होता है ड्रॉप डाउन सूची यानी कि मेनू बार हो जाएगा। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मेनू बार। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन URL का पूर्ण रूप है जिसके माध्यम से इंटरनेट पर सूचना दोस्तों आपका पाया जाता है। इंटरनेट पर सूचना पाया जाता है URL कौन सा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर हो जाएगा URL का फुल फॉर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि MS Excel 2016 में किस विकल्प का उपयोग शीट के किसी हिस्से को दृश्यमान रखने के लिए किया जाता है जबकि शेष शीट उसी समय स्क्रॉल की जाती है। तो शेष जो शीट है उस समय स्क्रॉल की जाती है, उसके लिए विकल्प दिया गया आपका न्यू विंडोज, फ्रीज पैंस, ऑरेंज ऑल और आपका हाइड। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन की यहाँ पे अगर हम राइट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा फ्रीज पैंस। ठीक है, फ्रीज पैंस इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में नई रिक्त प्रेजेंटेशन का डिफॉल्ट लेआउट आपका क्या होता है। उसका डिफॉल्ट लेआउट दोस्तों क्या होता है, तो टाइटल स्लाइड जिसमें टाइटल और सब टाइटल है, ये आपका डिफॉल्ट लेआउट होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में किस एड्रेसिंग मोड में इनडायरेक्शन पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है। तो इनडायरेक्शन पॉइंटर्स का उपयोग किया जाता है आपका इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला देखिए क्वेश्चन, MS वर्ड में ऑक्टो कैरेक्ट टूल का उपयोग टूल का उद्देश्य क्या है। दोस्तों ऑक्टो कैरेक्ट टूल का उद्देश्य होता है टाइप करते समय गलत वर्तनी वाले शब्दों को जांचना और गलत वर्तनी वाले शब्दों को रेखांकित कर देना। ठीक है, इसका यही काम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए एक्सेल से कि एक्सेल में रो और कॉलम को फॉर्मेट करने के लिए टूल बार में आपका डैश टैब का उपयोग किया जाता है।
किसका होम का किया जाता है, रिव्यू का किया जाता है दोस्तों, या पेज लेआउट का, या आपका व्यू का किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर दोस्तों बात कर लें तो आपका हो जाएगा पेज लेआउट। पेज लेआउट विकल्प का यहाँ पे आपका चयन किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, पेज लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि वेबसाइट सर्फिंग करते समय निम्नलिखित में किस एक की आवश्यकता आपका नहीं है, मतलब किस एक की आवश्यकता दोस्तों यहाँ पे आपका नहीं है। तो इसका एक की आवश्यकता नहीं, मोजिला फायरफॉक्स की आपका दोस्तों आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि मौजूदा एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो कंट्रोल प्लस ओ का उपयोग किया जाता है डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, कंट्रोल प्लस ओ। अगला देखिए, जब आप संपूर्ण का अनुपात दिखाना चाहते हैं तो किस प्रकार के चार्ट की सिफारिश की जाती है। तो उस समय चार्ट कौन सा होता है, स्टैटिक चार्ट होता है, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, या आपका पाई चार्ट। तो जब अनुपात को हम दिखाना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सा चार्ट का सिफारिश होता है, पाई चार्ट का होता है। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पाइप चार्ट। अगला देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट में किसी कैरेक्टर को हटाने, डिलीट करने के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। डिलीट करने या हटाने के लिए जब किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, एंड का, पेज डाउन, पेज अप और बैक स्पेस। तो यहाँ पे उसको हमें हटाना हो तो उस समय पेज बैक स्पेस का दोस्तों उपयोग हम वहां पे कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बैक स्पेस। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी कार्रवाई कलम की चौड़ाई या रो की ऊंचाई को मॉडिफाई करेगी। कौन सा मॉडिफाई करेगा, तो फिल्टर करेगा, या आपका मार्जिन सेल करेगा, शॉर्ट करेगा, आपका मार्जिन करेगा। तो जो यहाँ पे फिल्टर का मॉडिफाई करेगा, ठीक है, आपका मार्जिन जो आपका सेल हो जाएगा यही आपका मॉडिफाई करेगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित में कौन वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने का एक आपका तरीका है। प्रिंट टाइटल से वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं, या आपका ऑटोसॉम से, या इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड से, या आपका फ्रीज पैन से। तो किसी भी चीज को हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमारे पास एक ही उपाय है, इनक्रिप्ट द आपका पासवर्ड। और हम सबका एक ही मकसद है उसमें पासवर्ड को लगा देना, ताकि कोई दूसरा उसको उपयोग नहीं कर सके। तो इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस आपके बिहार वेल्ट्रॉन डीओ के एग्जाम में पूछे गए थे। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।